दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं या इतिहास रचना चाहते हैं, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखना, नहीं तो इसे बंद करके दूसरों का फालतू और निगेटिव बातों का मजा लेना। तब ये जरूर समझ लेना कि तुम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुए हो। फ्रेंड्स, लाइफ में जितना फोकस करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि आप इग्नोर करना सीख लो। अपने आसपास निगेटिविटी को भटकने भी ना दो। दोस्तों, कचरे से ध्यान हटाना है तो फोकस रहना होगा। इसलिए अगर खुश रहना हो, सक्सेस पाना हो, तो इग्नोर करना सीखना होगा। भूल जाने वाली बातों को लेकर बैठे रहोगे ना, तो भूल जाना कि कभी लाइफ में कुछ पा सकोगे, और कुएं में रह रहे उस मेढक की तरह हो जाओगे जो चाह के भी पूरी दुनिया नहीं देख सकता। जिसको सबकी बातों से फर्क पड़ता है, वो बंदा हमेशा दुखी रहेगा। अपने दूसरे कान के ढक्कन को खोलना यार, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। वो जो दूसरे कान के ढक्कन को खोलकर रखता है ना, उसे दूसरों की बातों का थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए क्या जरूरी है, क्या वैल्यूएबल है और क्या कचरा है। लेकिन बोलना तो बहुत आसान है, पर आखिर करे क्या जिसे निगेटिविटी और निगेटिव लोगों से दूर रह सकें, लोगों को इग्नोर कर सकें जो हमारे काम के लायक नहीं है। दोस्तों, सारा का सारा खेल आपके माइंड का है। आपने बहुत सुना होगा, तुम फेल हो गए हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम अपना ट्रैक चेंज कर लो, इससे अपना मन बदल कर आप भटक जाए। ये गलत है, इग्नोर करो ना। अच्छा है कि आप आत्मचिंतन करो। आपने गुलाब फूल को देखा होगा, उसमें कई सारे कांटे रहते हैं। उस कांटे से गुजरते हुए फूल का एक निर्माण होता है, इस कली से एक फूल का निर्माण होता है। तो आपके रास्ते में डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बैरियर आएगा, लेकिन आपको डटे रहना है। आपको टॉक्सिक लोगों से बचने का तरीका आना चाहिए। अपने डिसीजन को लेकर पूरा पॉजिटिव रहना कि अगर आप फेल भी हो गए ना, तो किसी की बातों पर आकर आप भटक ना जाएं। रिस्टार्ट विद पॉजिटिविटी। जितना सीधा बनोगे ना, उतना जल्दी ही कटोगे। दिस इज द रूल ऑफ जंगल विच बिलोंग्स टू आवर लाइफ। जो ज्यादा सीधा बनता है ना, उसे दुनिया जीने नहीं देती, अपनी फायदा देखती है। ये जालिम दुनिया, ये जो रोना रोते हो ना कि मेरे लिए उसने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा काम किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। फ्रेंड्स, देयर इज नो वन एल्स अदर देन यू हु कैन हेल्प यू। दूसरों के हिसाब से जीना छोड़ दो। आखिर कब तक दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को मारते रहोगे? जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है, उतना ही ना कहना भी जरूरी है। तुरंत आप दूसरों को ना नहीं कर पाते, ना ही बोल पाते। अब बोलते हैं लाओ मैं कर देता हूँ, उसके बाद में आप ही के साथ बुरा हो जाता है, तो आप फिर भगवान को कोसते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बुरा ही होगा ना, लोगों को अपने सिर पर चढ़ाओगे तो क्या होगा? तो तैयार बैठे हैं कि आपके झुकते ही आपके सर काट देने के लिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, नाराज हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, अपने लिए जीना सीखना होगा। आप में इतनी बुद्धि तो है जो सही गलत का फर्क जान सकता है, पहचान सकता है। भार में जाए दुनिया, उनसे कभी भी हाथ मत मिलाओ जिनके कारण तुम बर्बाद हो जाओगे। हमेशा एक बात याद रखना, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, उसे सुनो। अगर वो तुम्हारे काम के लायक है, वो तुम्हारे फायदे के लायक है, वो करवा ही क्यों ना हो, उसे एक्सेप्ट करो, उसे समझो, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। लेकिन वो तुम्हारे विरुद्ध है, तुम्हारे खिलाफ है, जो कि तुम्हें चिंता में हमेशा पड़ने के लिए मजबूर कर देता है, जो तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है, उसे अपने दूसरे कान के ढक्कन को खोलकर बाहर निकाल दो और अपने काम पर फोकस करो। तभी इतिहास रच सकते हो।